भाई तेजस्वी यादव जी का एक संदेश लेकर आया हूँ। हमें चुनावी सभा में लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है और आप हम आप सबका आशीर्वाद लेने आए हैं, स्नेह लेने आए हैं, प्यार लेने आए हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में तमाम पार्टी के जो नेता हैं और उनके कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने प्रचार प्रसार में लग गए हैं। और इसी बीच नवादा के कैंडिडेट जो श्रवण कुशवाहा है वो भी अपने क्षेत्र में जो है प्रचार करने के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मंच पर श्रवण कुशवाहा नजर आ रहे होंगे और उनके साथ में जो आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति यादव भी नजर आ रहे होंगे। पहले मैं आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे श्रवण कुशवाहा बीजेपी पर हमला बोलते हुए और अपने वोटर्स को क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए पहले श्रवण कुशवाहा को। बड़े भाई गार्जियन, मुख्य प्रवक्ता, जन जन के नेता, बड़े भाई शक्ति सिंह यादव जी, जिला अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ पर उपस्थित महिलाएं, नौजवान साथी, यहाँ पर हमारे साथ चल रहे कंधे से कंधे मिलाकर जिले के सभी नौजवान साथी, नवयुवकगण, गार्जियनगण एवं तमाम मंचासीन सभी नेता, सबसे पहले हम आप सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव तेजस्वी यादव जी का एक संदेश लेकर आया हूं। हमें चुनावी सभा में लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है और आप हम आप सबका आशीर्वाद लेने आए हैं, स्नेह लेने आए हैं, प्यार लेने आए हैं। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि मैं नवादा का बेटा हूँ, इस धरती पर जन्मा हूँ, इस धरती का नमक खाया है और इस धरती का नमक अदा करेंगे। क्योंकि जिस कार्य जो कार्यकाल हमारा रहा है, मैं मुख्य अभिमंत्री पर रहा, पति पत्नी, तो क्या क्या कार्य है नवादा में या किसी से छुपा हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि एक बार सर्वोच्च नवादा का विकास हो। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमें नवादा में किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, जाम की समस्या हो, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, हर साल में किसी जगह पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, चीनी मिल बंद है, ना तो एक इंडस्ट्री है। और जो भी यहाँ के सांसद आए, क्या किए या किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हमें हर पार्टी का, हर जाति का लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग पार्टियों का कहना था, उसमें हम भी समाये थे कि शुरू से ही कहना था, आज नहीं, तीन चार वर्ष पूर्व से ही कहना था कि जो क्षेत्रीय नेता होगा, जो क्षेत्रीय बेटा को टिकट देगा, हम पूरे नवादा में एक वोट देने का काम करेंगे। हम भी कहते थे और हम लोग जितने गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हो या अन्य पार्टियों के लोग हो, सभी लोग यही कहते थे। आज मुझे हर पार्टियों का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, इसलिए इस मंच से सभी पार्टियों को, हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार को, महागठबंधन परिवार को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अपनी सिद्ध है, मैं अपना बेटा भाई भतीजा बनकर काम करता रहूंगा और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। आपको वचन देता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसे जिले वासियों को सर्वोच्च कुशवाहा के चलते सर झुकाना पड़े, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। आपका बेटा बनकर रहूंगा, आपका भतीजा बनकर रहूंगा, मैं आपके बीच बैठूंगा, आपका जो समस्या होगी समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ बड़े भाई जिनके निर्देशन में हम चल रहे हैं, शक्ति सिंह यादव जी, नवादा ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश जानता है कि कैसे चरित्र का व्यवहार के व्यक्ति है। वो जब टीवी पर जाते हैं तो लोग सुनता है, मैं वैसे व्यक्ति के निर्देशन में काम करता हूँ। मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ, मैं टूटने वाला नहीं हूँ, मैं लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हूँ, भाई तेजस्वी जी का सिपाही हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे कि नॉमिनेशन में क्या हमारा नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट से वकील लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट से वकील लाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का टिकट कोई कैंसिल नहीं करा था। आज क्योंकि हमारे नेता को बोलना है, उनकी भाषा सुनना है, उनसे सुना आशीर्वाद लेना है। हमारे साथ जिला परिषद भाई देवी सराज जी है, सभी लोग जानते होंगे कि हम दोनों का भाई भाई का रिश्ता था, लेकिन बीच में कुछ गलत फहमिया के कारण इधर उधर हो गए थे,
आज बड़े भाई या छोटे भाई, भाई भाई नीतीश कुमार हमारे साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर हम सब आप सबका आशीर्वाद से, आप सबका प्यार से यहाँ से भाजपा को भगाएंगे। आपका बेटा, आपका भाई भतीजा बनकर सांसद इस घर में रहेगा और आपको सबका सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वर कुछ यहाँ तक तय किया हो वो व्यक्ति एक मिसाल है। हर वो व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति संघर्ष कर सके, एक बात लगातार चाणक्य ने लिखा, गरीबी में पैदा लेना कोई अपराध नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना अपराध होता है। गरीबी में पैदा लेकर अपने पुरुषार्थ के बल पर गरीबी को समाप्त कर करके अपने को स्थापित करता है, वही मानव सफल इंसान कहलाता है। अगर वो कितना बेचने वाला, अगर अंडा बेचने वाला अपने आगे बढ़ा कर करके आपके बीच में है, आपका बेटा है, गरीबी को समझता है, ये दुख तकलीफ को समझते हैं, गरीबी किसे कहते हैं, दुख उसे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आदरणीय तेजस्वी प्रोफेसर जी ने आपके बीच में बेटा, यहाँ के बेटा को प्रत्याशी बना करके आप इसको वोट दीजिए, गरीब को हाथ उठा करके खड़ा ना होइए, इन्हें में खड़ा हो आगे आकर के वोट बहुत आखिर को लेना है। एक एक वोट और एक हम प्रार्थना आपसे करेंगे। सभी साथियों तेजस्वी जी का आग्रह आप सभी से है, तेजस्वी जी का संदेश आप सभी से है कि इतना जो बैठे हैं हर व्यक्ति अगर 5 वोट दूसरे जाति में ठीक कर लीजिए, हर जाति के लोग दूसरे जाति में 5 को वोट ठीक कर लीजिएगा, हर एक व्यक्ति आपका सामना कोई करेगा, कोई नहीं ना करेगा। तो आप लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं, बताइए कुछ लोग नहीं उठा रहे, हम चाहेंगे कि जरा उठा दीजिए भाई, और उठा कर करके इनको आप सब मिल करके इतना वोट पे जिताइए कि आने वाले कल में जो साइबेरियन पंछी भेजते रहते हैं नवादा में वो भूल जाएंगे, और फिर नवादा पर उनको भी विचार करना पड़ेगा, एक लकीर खिंचाएगी, वो नवादा का होगा, नवादा के विकास का होगा, नवादा के हित के लिए होगा। क्या हुआ नवादा, एक आगो फैक्ट्री लगा है, केंद्रीय मंत्री लोग बना है, एक आगो फैक्ट्री लगा है, जरा बता दीजिए, चाबो से निजात मिला है, बताइए कहीं मिला तो बता दीजिए क्या हुआ यहाँ के लिए। और इसे रजौली के साथ में एक बात कह देते, रजौली का भी नया सवेरा हो, जो लोग पार्टी विचारधारा को भूलेंगे वो लंबे समय तक भूलेंगे, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, सबका धर्म होता है पार्टी के निर्णय, कमांडर अगर कर दिया निर्णय, सेना का काम है टूट पड़ना, ऐसा नहीं कि निर्णय पर कोई सवाल खड़ा करना, और निर्णय नवादा का ही तो है, नवादा का बेटा है, लगातार तो हम लोग टिकट आदरणीय लाल जी दे ही रहे हैं ना, उनका से पूछिए के लिए है वो बता देते। मैं ईमानदारी से एक बात बोल रहा हूँ, कुछ भी दिया गया है सहमति लेकर के दिया गया है, भले ही कोई बात बात पलट जाए कि मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं, ऐसे घसक रहे जैसे जानते ही नहीं, तो अलग बात, लेकिन कुछ कर करके सर्वसम्मति से इनको मिला है तो सब मिलकर कर इनको जिताइए। तेजस्वी जी का संदेश आप सभी साथियों के लिए है, सभी अभिभावकों के लिए है, उन्होंने प्रणाम भेजा है, सभी के लिए नमस्कार और आदाब भेजा है कि मेरे तरफ से सब लोगों को प्रणाम करेंगे, आदाब करेंगे और सर्वर कुशवाहा जी को जिताने में अपनी भूमिका अदा करेंगे, फिर आकर तेजस्वी जी आएंगे, अपनी बातों को आपके बीच में रखेंगे। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों के प्रति आदर का भाव रखते हुए सबको प्रणाम करते हैं। जय हिंद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको पीछे होकर के सब तरफ से हमने सब लोग से पीछे होकर के सबके आगे अभियान लीजिए।